यू सर। यू जस्ट क्लियर द प्री एग्जामिनेशन। सो कैसा लग रहा है, मतलब क्या चल रहा है अब? मतलब इसमें तुमने मेरे ऑनलाइन क्लास को शायद 4 महीने हो गए ज्वाइन करे हुए, यस सर। पहले और अब कितना चेंज देखने को मिला तुझे, कि हाँ भाई मतलब लगा है कि हाँ। सर मेरे को अपने में बहुत चेंज देखने को मिला, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था जिस टाइम पे, उस टाइम पे मुझे जीएस का कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी मतलब बिल्कुल जीरो थी। एंड अगर मैं अभी देखूँ अपना जीएस का, तो मुझे उस हिसाब से बहुत बहुत इम्प्रूव हुआ है। मेरा रेगुलर क्लासेस लेना जो करंट अफेयर्स की होती है, उसके अलावा जो अपनी सीजीएल के टाइम पे भी क्लासेस दी थी, और प्रैक्टिस सेशंस जो होते हैं सुबह 5 AM वाली क्लासेस, तो उससे जीएस में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। मॉक में और हर जगह क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उससे डांट अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। पड़ती रहती है कंटिन्यू बेसिस पे हर सब्जेक्ट के ऊपर। सर वो तो हेल्प करती है, उस डांट से हम और पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा जब बुरा फील होता है तो और ज्यादा पढ़ने का होता है, कि अगली बार डांट नहीं खानी तो पढ़ लेते हैं अब, तो वो तो योर हेल्प करती। एक्सपीरियंस विद आवर इंस्टीट्यूशन, हम जूम पे पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन से ऑनलाइन हमने शिफ्ट करा, तो क्या लग रहा है कि सर टेंट वाइज और हमारा जो पूरा का पूरा कैरिकुलम है जिसमें बच्चों के ऊपर इतना फोकस होकर के ध्यान दे रहे हैं, उसमें कहीं कुछ कमी है, या यू जस्ट वांट टू रिकमेंडेट अदर कि हम भाई हमें ज्वाइन करें या ना करें, या जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ऐसा जो कमी लगती हो, कुछ भी ऐसा? माइक ऑफ है वंशी आपका। यस, फिर से आवाज नहीं आ रही तुम्हें, नहीं आ रही वंशी की आवाज? सर ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जूम पर है तो स्ट्रिक्टेस नहीं है, डांट नहीं पड़ेगी, होमवर्क नहीं चेक होगा, सब कुछ प्रॉपर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन बेटर नहीं है, ऑनलाइन ज्यादा बेटर है, बल्कि कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, प्रॉपर क्लासेस होती हैं। चलो सो थैंक यू। so, और चलो कि मेंस के लिए तैयारी करते हैं, अब फिर से खूब सारी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि मेंस में वैसे भी 75 मार्क्स का जीएस है, तो मेंस के लिए फिर से थोड़ा और ड्रिल करेंगे, रोज क्लासेस होंगी फिर से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब वही वाला आईबीपीएस मेंस वाले जैसे क्लासेस चल रही थी वही वाला होगा, 4 4 5 5 घंटे की क्लासेस। ठीक है वंशिका, ओके सर, थैंक यू ओके, वंशिका, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थैंक यू एक्सपीरियंस, सर। थैंक यू बच्चे। हाँ भाई गुप्ता जी आइए जरा, पधारिए महाराज। हाँ गुप्ता जी, मानो तो बेस्ट स्टूडेंट है हमारे पास। गुप्ता जी क्या बोलेगा, उर्दू बोलियो तू, पहले आ तो सही, निकम्मा कह रहा है मैं क्या बोलूंगा, उर्दू बोलियो, कह रहा सर मैं क्या बोलूंगा, बताओ भाई। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, कैसा रहा? मतलब तूने एसएलसी का 2 3 महीने हो गए तो ज्वाइन करे हुए, 2 महीने 3 महीने, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, कैसा चल रहा है तुझे कोचिंग के पार्ट ऑफ से, जो जीएस के अंदर है उसमें कैसा तेरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा चल रहा है जीएस? पहले मैं इग्नोर कर देता था कि जीएसपी मतलब पढ़ने की चीज नहीं होती है, चलो कोई नहीं। अच्छा अब मजा आ रहा है। अब तो लगता है कि 5 मिनट में ही नंबर आ सकते हैं, 40 50, 5 मिनट में ही 40 50 नंबर आ सकते हैं, तो मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ, और मेरे को आप कंटेंट अच्छा दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि हाँ आ सकते हैं 5 मिनट में 40 से 45 नंबर। चल बढ़िया। और हमारी तरफ से और कोई चीज जो तुझे लगता हो कि खराब है, या जो हमारी तरफ से जो सबसे अच्छी चीज है, कंटेंट कैसा है हमारा जीएस? कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, बस आप और अच्छा पढ़ा रहे हो। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, थैंक यू, कह रहा था आप अच्छा पढ़ा रहे हो। देखिए पर सीजीएल का मेंस निकालना है, सबसे बड़ी बात ये है, जब तक उसका मजा ही क्या रह जाएगा, किरकिरा हो जाएगा। थैंक यू गुप्ता, एंड रियलिटी बता दो बच्चों, तुम लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है। देखो मैं तुम्हें डांटता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ रोज डांटता हूँ भाई, इतनी डांट तुम लोग सुनते हो ना, भगवान कसम मुझे शर्म आ जाती है डांटते डांटते। ठीक है, पर तुम लोग ढीठों की तरह काम में लगते हो, वो सबसे बड़ी चीज होती है। हाय लोहिता, कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ऑन कर ले अपनी वीडियो, मैं ओ तो ऑन। सॉरी सर, लोहिता कैसी चल रही है पढ़ाई, काफी अच्छी चल रही है तो जीएस जीएस में। में किस तो तरीके से आया है? सर पहले तो मेरा जीएस कैसे था, कि आई यूज टू लीव दैट सेक्शन, कि मेरे को ये तो प्रिपेयर ही नहीं करना है क्योंकि मेरे से होएगा भी नहीं, सो आई विल फोकस ऑन मैथमेटिक्स और रीजनिंग। लेकिन ओके अब थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस आया है, कि अगर जैसे आप जैसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, अगर मैं रिलीजियसली उसको फॉलो करती हूँ, सो आई विल बी एबल टू क्रैक दैट पोर्शन ऑल्सो, और मैं उससे भी मार्क्स जो है ड्रॉ कर सकती हूँ, वेरी गुड। मेरा वो वीक पॉइंट नहीं रहेगा। बेसिकली ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है एसएमसी के साथ ज्वाइन करने के बाद वो बेहतर हुआ है जी यस इसके सर, बाद, ऑफ कोर्स, तो यस मैथ सर। मेरी भी अच्छी नहीं है, मैं मैथ के साथ तुम लोग जितना ही तुम लोगों से बहुत वीक हूँ, बट ओवरऑल
इट्स जस्ट अ गुड एक्सपीरियंस. सो चलो मेहनत करते हैं, मैं आप मेंस के लिए और ज्यादा ठीक है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू बच्चे, थैंक यू. हाय रोहित, तू पता नहीं क्यों अंधेरे में बैठा रहता है. सर मेरा वो लैपटॉप का कैमरा ऐसे ही है. अच्छा, कैसा रहा रोहित? तू तो मेरे पास पूरे ही काफी टाइम से पढ़ रहा है, बता कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई, जीएस में कितना इम्प्रूवमेंट है, और कैसे हम लोगों ने किस तरीके से हेल्प करी है, या क्या और हम इम्प्रूव कर सकते हैं? अच्छा है सर, पहले तो डब्बा गोल था मेरा जीएस में. अच्छा, अब अच्छा हो गया सर. मतलब जो फीस हम लेते हैं 999 या 1200 रुपीस पूरे एक साल के, 1800 रुपए फीस लेते हैं, उस फीस में कंटेंट बहुत सही जा रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है कंटेंट वाइज. हाँ सर, काफी अच्छा कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है. चलो फिर नो सर, घिसते हैं फिर किसमें हम लोग, मेंस पे. कल से मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है. हाय सालनी, सालनी कैसे? मैं तुक्का लगाया, मुझसे पूछो कुछ नहीं. सालनी हाँ जी सर. जब तुम मेहनत करते हो, चीजें करते रहते हो, घिसते रहते हो, तुम निकलने लगते हो, ये सुनो. हाँ जी सर. तो अब बताओ कैसा लग रहा है, बताओ क्या इतना बड़ा कुछ वो है रॉकेट साइंस है किसी एग्जाम को क्लियर करना? सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिजल्ट आता कैसे. बोले कभी आया ही नहीं हमारा तो आज तक. सही में सर, मुझे नहीं पता था लिस्ट आती है, मैं सबसे कंफर्म कर रही हूँ. अरे लिस्ट आती है क्या, लिस्ट आती है क्या? तो एसएमसी के पार्ट पे कैसी रही है चीजें? सर बहुत सही सर, पहले मैं जीएस नहीं करती थी, मैं सोचती नहीं थी कि जीएस इतनी इम्पोर्टेंट है, सच में मेरे को नहीं लगता था. मेरे को लगता था कि बाकी तीन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, जीएस को कौन इतना मानता है, सर मेरे को यही लगता था. फिर सर मैंने आपकी क्लासेस ली ना, तो सर मेरे को लगा कि नहीं नहीं पहले तो तू पढ़ने, ये लोग झूठ मत बोला कर, पहले 15 बार तूने क्या बोला मुझे सर मेरी फीस रिफंड चाहिए. सर वही तो मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा था ना. ठीक है, तो मैंने बोला मेरे को पढ़ और भरोसा रख, तू क्लियर होगी एग्जाम्स, एंड उसके बाद यू आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी भी प्रिपेयर हो रहा है. तो आप कैसा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है ना, अब पता चला मैं क्यों कहता हूँ कि एग्जाम निकलता है तो एक अलग ही आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है. जी बार बार मैं जीएस खुद पढ़ती हूँ सर, करंट अफेयर्स में सारे सब्जेक्ट साइड में रख के मैं करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाती हूँ, इतना अच्छा लगने लगा. चलो मिलते हैं फिर, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग आप लोगों का मेंस का बैच, जो आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, कि आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना, याद है सभी लोगों को, जो हम लोग टीटीएस में करते हैं हर ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को, वो सेम चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है. ये स्पेशली मेंस के लिए अलग से चलेगा बैच, ठीक है. और इसका जो शेड्यूल होगा वो कल से नहीं, परसों से अपडेट हो जाएगा तुम लोगों, मतलब सैटरडे या संडे या फिर मंडे से तो पक्का अपडेट शेड्यूल हो जाएगा. इसमें लगभग 2 घंटे की क्लास होगी, इसमें थोड़ा और डेप्थ में और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर है बात बच्चों? डोंट मिस एनी क्लासेस, अदरवाइज तुम जानते हो तुम जितना मुझे प्यारा देख रहे हो मैं उतना प्यारा हूं नहीं, है ना. रही बात आपको गाइड करने की किस तरीके से पढ़ना है, देखो बच्चों मैथ्स रीजनिंग आपको पता है कैसे करते हो आप लोग, जीएस के पार्ट पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना कंटेंट मैं आपको करवाऊंगा वही मोर देन इनफ होना चाहिए, ठीक है. आप अपने मैथ रीजनिंग के पेपर्स जाके, जो इनके मेंस के पेपर है, रीजनिंग में तो कुछ ऐसे बहुत टफ चेंजेस आने वाले हैं नहीं, बट स्टिल आप जाकर के मैथ का जो सीजीएल का टायर 2 का पेपर है उसे एक बार क्या कर लो, देख लो. आप इंग्लिश जाकर के देख लो डिस्क्रिप्टिव में, और इंग्लिश देखना सीपीओ एसआई मेंस की, ठीक है. आप उसके बाद डिसाइड करो कि आपका भी लेवल क्या है और आपको और कितना अच्छा करना है. बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत है किसी को भी, बताओ बच्चों? नो सर. देखो बच्चों आप लोग एक बात मेरी लाइफ में याद रखना, जो मैंने सीखा है मैं आपको वही बताऊंगा, कि जब भी कोई मेहनत करता है, अभी भी इस क्लास में 2 और बच्चे जिनका प्री निकला है, यशिका और निशांत, वो अभी नहीं आ पाया किसी कारण से, ठीक है. उसका एसआई भी निकला है, यशिका का भी मेंस भी था, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत हो गई थी. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो मेहनत करता है, जो सही गाइडेंस में चीजें करता है, देर सवेर उसका हो जाता है. मैं फिर ये बोलता हूँ
कि गवर्नमेंट जॉब 5 साल की तैयारी का गेम नहीं है, 2 साल मैक्स अप टू मैक्स, अगर 2 साल में तैयारी में नहीं निकल रहा है तो छोड़ो कुछ और अच्छा करो, ये सुनो, यही बात मैं हर बार समझाता हूँ। और इसके पीछे मेन मोटिव यही है कि अगर आपने तैयारी करनी ही है तो आप उस तरीके से करो कि भाई आपका रिजल्ट अच्छा आए, अपने आप को बढ़िया से बंद करके ढंग से पढ़ो, ठीक है। आप सोचो कि मैं सब कुछ खेल भी लूं, मैं दुनियादारी भी देख लूं, चाचा बुआ फूफी की शादी भी अटेंड कर लूं और एग्जाम भी क्वालिफाई कर लूं, ये नहीं होने वाला है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। इससे बेहतर है कि 5 साल अपनी जवानी की बर्बाद करने से अच्छा है 1 साल 1.5 साल ढंग से बर्बाद करो और निकाल दो एग्जाम्स को। बात समझ में आ रही है, बेस्ट ऑप्शन है। अब देखो तुम्हारा मेंस ड्यू है, बस मैं ये कहूंगा बाहर जाना बंद कर दो, घूमना फिरना बंद कर दो भाई, 1 घंटा कहीं टहल वहल लिया, जॉगिंग वगैरह कर ली, बहुत बढ़िया, नहीं तो बाद बाकी पूरा टाइम किसमें दो, आप लोग अपनी पढ़ाई पर दो, एकदम फोकस होकर के, समझ में आ रही है बात बच्चों, और फिर आप रिजल्ट देखो, ठीक है। किसी को मेंस की क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो भाई इस वाले नंबर पे आप बोल सकते हो, क्लिक कर सकते हो और आप मुझे कॉल कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फी, इट्स नॉट हाई फी एट ऑल, ठीक है। आप बात करोगे आपको पता चल जाएगा, एक बार प्लीज बात करो एंड देन यू विल जॉइन द क्लासेस फॉर द जीएस पर्पसेस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लवली सेशन, हम लोग मिलते हैं मंडे से, हम लोग अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए सभी लोग अपना रखो ध्यान, बाय बच्चों।